शहर में संचार बंदी लागू होने से कई जगहों पर सन्नाटा सा छाया है। शहर के सदर चौक की सड़कें वीरान सी दिख रही थी। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे की रिपोर्ट। दर्शकों, इनबीसीएन की टीम अब ऐसी जगहों पर खड़ी है जिसे स्मृति टाकी चौक और सदर चौक के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़कें पूरी खाली है, इक्का दुक्का लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा इधर बताइए कि ये इनकम टैक्स का सराफा बाजार का एक पुराना ऑफिस था। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सन्नाटा दिखाई दे रहा है। संचार बंदी जब से लागू हुए लोग भी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो सीधी सड़क आप ये जो दिखाई दे रही है, ये नागपुर सुधर प्रन्यास की ओर जाती है, सड़क पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। अब लोग भी संचार बंदी का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ कल हमने देखा कि लोग पालन उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे, आज वही लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का यह तीसरा दिन है। थोड़ा बताएं कि यहाँ पे देखिए कि इस तरह से एम्बुलेंस जो है, जैसे कि इनमें एक रियायत दे दी गई है, एम्बुलेंस अपना काम कर रही है, पेशेंट को लाना ले जाने का उनका जो काम है वो दिखाई दे रहा है। एक एम्बुलेंस छोड़ा और कुछ ऐसे काम काज छोड़े तो बाकी लोग नजर नहीं आ रहे। हर तरफ देखिए, ये वही कुछ ऐसे दुकानें हैं जहाँ पे रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमघट लगा रहता है। लोग मध्य प्राशन करने यहाँ पे आते हैं, तो कुछ लोग खाना खाने आते हैं, तो वही कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक की जो गुड्स जो चीज़ें होती है उसे खरीदते रहते हैं। आज पूरा संचार बंदी होने की वजह से पूरी तरह से बंद 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 दिखाई दे रहा है। लोग घर में बैठे हुए हैं कोरोना वायरस की जन जागृति रोकथाम के लिए। और हम हमारे तमाम इनबीसीएन के दर्शकों को पल पल की जानकारी, हमारे तमाम संवाददाता हर चौराहों से आपको ये जानकारी दे रहे हैं और आगे भी हम इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। आज तीसरा दिन है संचार बंदी का। आप देख सकते हैं कि संचार बंदी के दिन इक्का दुक्का लोग देख रहे हैं, जबकि यहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती, इतनी भारी भीड़ होती है। मगर संचार बंदी का पालन करते हुए शहर के नागरिक भी दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात नजर आ रही है। सदर चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।